मेरा प्रश्न है महाराज जी कि आज बहुत से साधु नया नया मंदिर बना रहे, नया नया मंदिर बना रहे, लेकिन जो पुराने मंदिर है उनका डेवलपमेंट कम हो रहा है, उनकी व्यवस्था बहुत कम है, और आज समाज की व्यवस्था में हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इसमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे कि बाहर के समाज जितना जोर दे रही है उतने हम बहुत पीछे हो रहे, हमारे ही समाज जैसे बिजनेस में बहुत पहले बहुत पीछे आ रहे। आपका सवाल मैं समझ गया, इस आशय का सवाल प्रायः आता रहता है, तुम जैसे युवा प्रायः उनके मन में ऐसा सवाल गूंजता है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा इसको व्यापकता से समझो। ये बात सही है कि पुराने का जीर्णोद्धार करना जरूरी है, पर नए के निर्माण के प्रति जो उपेक्षा का भाव आज की जनरेशन में हो रहा है वो उचित नहीं। मैं एक घटना सुनाता हूँ। सन 1988 में साहू अशोक कुमार जैन गुरुदेव के चरणों में उपस्थित थे, जबलपुर की बात है, मरिया जी में, मैं उन दिनों गुरु चरणों में था। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आजकल नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जबकि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। तो गुरुदेव ने कहा पुराने के जीर्णोद्धार में पुण्य अधिक है। तो गुरुदेव आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराएं, इसमें पुण्य अधिक है। गुरुदेव ने कहा कि साहू जी कराना है तो करा दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा करके पहनोगे? बात समझ में आ रही है? कपड़े फट जाएंगे, रफू करवाना होगा, रफू करवाओगे, पहनोगे कितनी बार? पुराने का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है, कराओ, पर ये मान करके चलो कि केवल पुराने के जीर्णोद्धार से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके। जो लोग नए के निर्माण का निषेध करते हैं उन्हें जानना चाहिए कि पुराने लोगों ने अगर नव निर्माण नहीं किया होता तो आज जीर्णोद्धार का प्रश्न ही कहाँ आता। समझ गए? तो जीर्णोद्धार के साथ निर्माण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। आज अगर ऐसा निर्माण होगा तो आने वाले हजार वर्ष बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके स्वर्ण पृष्ठों में यह बात अंकित होगी कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जैन संस्कृति फलती फूलती थी। ये हमारे परंपरा के दस्तावेज बनेंगे, ये हमारी सांस्कृतिक इतिहास के गौरव और गरिमा का बोध कराएंगे। ये आप चाहते हो कि नहीं? ये आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्वर्ण युग में जिए। आज से 400 वर्ष पुराना जो युग था वो ऐसा बुरा युग था, ऐसा बुरा दौर था जब सब जगह मंदिर तोड़े जाते थे, मंदिर और मूर्ति भंजकों के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्मे हैं, मंदिर टूटने वाले में नहीं। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात बहुत स्पष्ट अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगी कि यह जैन संस्कृति का स्वर्ण युग था। हम अपने अतीत के इतिहास को पलटते हैं तो चाहमान और चंदेल नरेशों और परवार नरेशों के काल में इस क्षेत्र में जैन संस्कृति खूब फली फूली। उससे पहले गुप्त काल में और जबलपुर की तरफ कलचुरी नरेशों के माध्यम से जैन संस्कृति बहुत फली फूली। होयसल नरेशों के माध्यम से आपके दक्षिण में जैन संस्कृति बहुत फली फूली। किसके आधार पर कहते हैं? इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के आधार पर ही तो कहते हैं। कौन है दस्तावेज?
इसलिए इन्हें कभी बुरे नजर से मत देखना। अपनी पहचान को युग युगांतरों तक कायम रखने का इससे अच्छा माध्यम नहीं है। हाँ, अस्पताल, कॉलेज, मेडिकल और एजुकेशन के जितने बड़े सेंटर्स हैं उनको खोलने की जहाँ तक बात है, उसे खोलिए, उसका निषेध नहीं, वो निर्वाह की बात है। और आज भी जैन समाज के द्वारा जितने एजुकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और हेल्थ केयर के लिए कार्यक्रम संचालित हैं, जनसंख्या के अनुपात से वो कम नहीं है। और हमारे गुरुदेव को देखो, उन्होंने मंदिर बनाया तो भागोदय भी खुलवाया, लोगों को वो नहीं दिखाई पड़ता। अभी पूर्णायु की शुरुआत हुई जबलपुर में, वो नहीं दिखता। प्रतिभा स्थली खुलवाई, ये नहीं दिखता। केवल मंदिर ही क्यों दिखता है, समझ गए? अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास, शायद पिछले शनिवार को, यहाँ बड़वानी जिले के पूरी न्यायपालिका यहाँ आई हुई थी, तो पिछले शनिवार को, तो एक महानुभाव ने मुझसे सवाल किया था कि इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं जबकि हमको मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कहा, आज जो बाढ़ की विभीषिका में जो मानवता की सेवा हो रही है, आप जाकर देखना, सबसे ज्यादा मंदिरों से ही हो रही है। पहल मंदिरों से ही होती है। जब तक मंदिर है तब तक तुम्हारी आस्था जीवित है। आज किसी के प्रति दया करुणा का भाव भी तुम्हारे हृदय में तब आता है जब तुम धर्म से जुड़े हो। आज मंदिरों से आह्वान किया गया, करोड़ों रुपया पहुंच गया, वो पहुंच रहा है, लोग दे रहे हैं, किसके बल पर? तो इन्हें नकारात्मक दृष्टि से मत देखना। मैं समझता हूं शायद ये तुम्हारा अंदर का अपना सवाल हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये सवाल अक्सर लोग उठाते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, उनको इनका ही खर्चा खर्चा दिखता है और बाकी जो फिजूल का खर्चा वो नहीं दिखता। शादी विवाहों में होने वाले फिजूल खर्च उनको खर्च नहीं दिखते, राजनीतिक रैलियों में होने वाले खर्च उनको खर्च नहीं दिखते, व्यर्थ के आडंबरों के निमित्त होने वाले खर्च उन्हें खर्च प्रतीत नहीं होते, केवल इनमें ही उन्हें खर्च दिखता है। बात समझिए, जो सार्थक है उसके व्यय के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए और जो व्यर्थ है वहां एक पाई भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ये एकांतिक धारणा है कि मंदिर बनाने से क्या होगा। अरे, हम तो उस संस्कृति में पले हुए लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परंपरा है। हमारी पहली प्राथमिकता तो वो है, ये हमारी पहचान है। हमने अर्थ से ज्यादा परमार्थ को महत्व दिया है, इसलिए इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भरत चक्रवर्ती ने सोने का महल नहीं बनाया था, सोने का मंदिर बनाया था, हमारा वो आदर्श है। और रावण ने सोने की लंका बनाई थी, भरत चक्रवर्ती ने सोने का मंदिर बनाया, आज उसके नाम से भारत हो गया, भरत अमर हो गया। और रावण ने सोने की लंका बनाई, वो लंका धू धू करके जल उठी, ये उदाहरण हमारे सामने है। तो वस्तु स्थिति को समझिए, इन बातों को लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। और एक बार की बात है, ये चूंकि बहुत ऐसा मुद्दा है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज इसको क्लियर ही कर देना चाहिए। एक सज्जन मेरे पास आए, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। महाराज जी, आजकल मंदिरों का बहुत निर्माण हो रहा है, आचार्य महाराज भी मंदिरों के निर्माण में बड़ी रुचि लेते हैं। महाराज जी, मंदिर के निर्माण की अपेक्षा तो स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए। एक संपन्न व्यक्ति थे, मैंने कहा, हाँ भाई, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। एक काम करो, तुम समर्थ हो, पहल शुरुआत करो, देखो एक आध कोई काम तो करके बैठो।
नहीं नहीं महाराज मेरे बस की नहीं है, आप लोग कराइए। अरे भैया तेरे बस की नहीं है, तूने मंदिर के लिए कुछ दिया क्या? बोले नहीं दिया, तो स्कूल के लिए दे दे, कॉलेज के लिए दे दे, हॉस्पिटल के लिए दे दे। नहीं महाराज अभी मेरी अनुकूलता नहीं है। तो बोले मुंह क्यों चला रहा, ये निकम्मे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं, वे लोग ही इस तरह के विचार फैलाकर समाज के वातावरण को बिगाड़ते हैं, वो जहर फैलाने का काम करते हैं। नहीं, हमें रचनात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर चामुंडराय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना नहीं की होती तो हजार साल से जो दिगंबरत्व का गौरव है वो हम सबके बीच में कहाँ होता। कभी विचार किया इन सब चीजों के लिए? तो ये है, और जैनियों के तो खून में इस तरह की बातें हैं। धर्म के लिए, मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए जितना पैसा लगाते हैं, जब कभी भी राष्ट्र पर कोई आपत्ति आती तो सबसे पहले आगे आने वाला जैन ही होता है, ये भी तुमने देखा होगा। अभी बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए आह्वान जैन गुरुओं ने ही किया, अन्य किन गुरुओं से सुना तुमने पहले बताओ? हाँ, तो तुम्हारा सीना गौरव से तन जाना चाहिए। हम धर्म के लिए समर्पित हैं तो राष्ट्र के लिए भी समर्पित है, मानवता के लिए समर्पित है। जब जरूरत हो करेंगे। राष्ट्र पर आपदा आई, भामाशाह ने अपना खजाना खोल दिया, ये जैन की परंपरा है। इसलिए ऐसी बातें मत सोचो, व्यापकता से सोच करके चलो और उसके अनुरूप कार्य करो। मैं समझता हूँ तुम तो कन्विंस हो ही गए होगे और तुम्हारे निमित्त से अनेकों का दिमाग ठीक हुआ होगा।